vontade eu गाइस, अभी आपने जो वीडियो देखी ये टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है और काफी भाई लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं और काफी की वीडियो वायरल भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इस एडिटिंग के बारे में बताया जाए कि आखिर ये एडिटिंग होती कैसे है। तो गाइस, एडिटिंग तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि ये वीडियो पूरी वॉच करोगे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे ना। तो चलते वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अंकित परमार और आप देख रहे हैं एपी किड यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मस्त मस्त कंटेंट मिलते हैं मिलेंगे। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, हमें मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसी वीडियो शूट करने के लिए आपको पहले इस तरह की नॉर्मल वीडियो बना लेनी है। देखिए, आपको इस तरह से आना है और अपने जो जूते हैं उस पर पैर रख देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कपड़े पहन के आना है। तो मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह से इसको फिर से पकड़ना और ऐसे बैठ जाना है। ये देखिए, फिर आप एक्टिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसी वीडियो बनाने के बाद आपको काइन मास्टर में चले जाना है। मास्टर में आने के बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ पर 9016 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको मीडिया पर क्लिक करना है और वो वीडियो ले आइए जो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट की थी, ठीक है। तो उस वीडियो को ले आते हैं। तो ये रही वो वीडियो, ठीक है। इसे लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको शुरू में चले जाना है और ये देखिए, इसके बाद जैसे मैंने चेयर को पकड़ी है, उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पर आपको फिर वीडियो पर क्लिक करना है, कट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा स्प्लिट एंड प्लेट पर क्लिक करके इसको दो पार्ट कर देना है। उसके बाद आपको कपड़े पहन के आना है, ठीक है। तो मैंने लास्ट में ले जाता हूँ वीडियो को। फिर देखिए, मैंने कपड़े वपड़े पहन के ये यहाँ से ये देखिए ये यहीं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है, कट पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट पर क्लिक करके इसे कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस, ये यहाँ से एडिट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले इसकी वॉल्यूम कम कर देना है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कम करने के बाद आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और ओरिजिनल वीडियो लानी है। तो क्योंकि आपको ओरिजिनल वीडियो का सॉन्ग चाहिएगा, तो आपको इस ओरिजिनल वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे चले जाना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करके ऐसे इस वीडियो को डिलीट कर देना, ठीक है। तो अब देखिए, तो गाइस इस वीडियो पर क्लिक करना है और आप अपने वीडियो के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद इतनी डिलीट कर देते सॉन्ग के हिसाब से 10 सेकंड बहुत है। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। आपको क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना, शेयर पर क्लिक करना और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना क्वालिटी देख के। तो यहाँ पर 1080p में ही करना है तो एक्सपोर्ट। तो चलते टिकटॉक पर। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिससे आपकी वीडियो और अच्छी लगेगी। तो गाइस, इसके बाद आपको टिकटॉक पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो पे चले जाना है। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको ये सॉन्ग चाहिएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे यूज दिस साउंड पर के बाद ये देखिए अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो ले आनी ये रही, फिर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम पर क्लिक करना है, ठीक है। ओरिजिनल साउंड को फुल कर देना है और उसको पूरा कम कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ाना है, ये वाला इफेक्ट दिखेगा इस वाइज, ये यहाँ से आपको लगाना है। ये देखिए, यहाँ से आप लगा दीजिए जब तक, हाँ ये यहाँ तक थोड़ा सा और। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बाकी का इसमें फ्लैश कर देना है जिससे वीडियो अच्छी लगे थोड़ा थोड़ा, ये बस। अब देखिए, ये देखिए। तो गाइस, इसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर। उसके बाद यहाँ से आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फिर पोस्ट कर देना है,
तो गाइस यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक में, तब तक के लिए बाय।